हेलो एवरीवन, सनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रियल ब्राइडल का जुड़ा हेयर स्टाइल लुक देंगे। किस तरह से हमने ब्राइडल लुक दिया है, फ्रंट से हमने मांग टिक्के के साथ हमने किस तरह से स्टाइल लुक दिया है। सबसे पहले हम ईयर टू ईयर हमने सेक्शन निकाल लिए हैं और हमने बालों को क्रीम कर लिया है, जिससे कि बालों में अच्छे से वैल्यूम आ जाती है। और इस तरह से हमने जो टॉप सेक्शन से हमने जो स्टफिंग के लिए हमने थोड़े से बालों को आगे कर लिया है। और इस तरह से हम जो बॉपिन से हम इस तरह से लगा देंगे, जिससे कि जो स्टफिंग है वो अच्छे से हमारा सेट हो जाता है। और अब हम यू पिन से हम जो हमने नीचे से पिन लगाई है उनमें हम इस तरह से स्टफिंग को लेते हुए यू पिन को तक हम सेट कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि स्टफिंग हमारा अच्छे से सेट हो जाता है, टाइट सेट हो जाता है। इस तरह से दोनों साइड हम अच्छे से पिनों से हम स्टफिंग को टाइट कर लेंगे। स्टफिंग हमारा टाइट होना चाहिए, इसमें हमारा दुपट्टा भी सेट होना होता है, तो इसलिए स्टफिंग अच्छे से टाइट सेट होना चाहिए। अब हम जो हमने फ्रंट के बालों को जो सेक्शन लिया है, इस तरह से हम अच्छे से कॉम करते हुए इस तरह से हम ले लेंगे, अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे। पहले बीच का सेक्शन लिया, अब हम साइड के जो हमारी जो लाइन आई है क्लीन लाइन लेते हुए इस तरह से हम साइड के बालों को सेट करेंगे। पहले हमने इनमें बैक कॉम कर लेंगे और इस तरह से हम कॉम करते हुए इस तरह से हम सेट कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड का भी इसी तरह से बैक कॉम करते हुए क्लीन जो लाइन आ रही है उसको लेते हुए अच्छे से बैक कॉम करते हुए हम इस तरह से हम साइड के बालों को भी सेट कर लेंगे। इस तरह से हम टाइट पिन लगा देंगे, जिससे हमारा जो स्टफिंग है वो अच्छे से टाइट हो जाए। अब हम मांग टिक्का सेट करेंगे। अगर मांग टिक्का पे आप धागा लगा के पीछे से उसको सेट कर सकते हो, अगर छोटा मांग टिक्का है तो इस तरह से धागा लगा के फिर स्टफिंग के अंदर से आप पिन से भी पीछे की साइड में आप सेट कर सकते हो, इस तरह से हमने किया है। अब हम फ्रंट के बालों को इस तरह से हम स्टाइल बनाएंगे। पहले हम बैक कॉम कर लेंगे, हल्के इसे बैक कॉम करते हुए फिर हम फ्रंट के स्टाइल लुक देंगे। इस तरह से दो पार्ट कर लेंगे, एक साइड के दो पार्ट कर लेंगे। इस तरह से हम पीछे के पार्ट को बैक कॉम करते हुए हम इस तरह से हमने हल्का सा बैक कॉम किया और इस तरह से हमने बालों को लेते हुए इस तरह से हल्का सा ट्विस्ट किया और इस तरह से सेट हेयर स्टाइल लुक आ गई है। अब हम दूसरा सेक्शन लेंगे और इस तरह से बैक कॉम करेंगे। जैसे बालों को स्प्रे से सेट कर लेंगे। और इस तरह से ट्विस्ट करेंगे हाथों को। और कुछ बाल हमने जो कर्ल करने के लिए छोड़ दिए हैं, इस तरह से हाथों को ट्विस्ट करते हुए इस तरह से लुक आ जाता है। इस तरह से फ्रंट के हेयर स्टाइल लुक इस तरह से भी कर सकते हैं। मांग टिक्के को सेट करेंगे, इस तरह से सेट हो जाता है। अब हम दूसरी साइड का भी इस बैक कॉम करते हुए इस तरह से हाथों को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। पीछे से हम पहले बैक कॉम कर लेंगे, ताकि बालों में अच्छे से वैल्यूम आ जाए। इस तरह से हम फिर बालों को ट्विस्ट करते हुए पीछे जो स्टफिंग के पीछे से हम सेट कर लेंगे। अब हम फ्रंट का दूसरा सेक्शन, दोनों साइड से हमने कर्ल करने के लिए भी थोड़े से लेयर छोड़ दिए हैं,
सो से बैक कॉम करेंगे जिससे कि वैल्यूम अच्छे से आ जाती है बालों में, और स्प्रे से हम सेट कर देंगे। इस तरह से हाथों को ट्विस्ट करेंगे, बालों को लेते हुए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और स्टाइल लुक आ जाती है अच्छे से। अच्छे से पिन से सेट कर देंगे, ये फ्रंट का स्टाइल लुक हो गया है। अब हम बैक में पोनी टेल बनाएंगे, अच्छे से कॉम करेंगे और टाइट हम पोनी टेल बना देंगे। और पोनी टेल को आप पॉप पिन से अच्छे से सेट कर देंगे, जो छोटे छोटे बाल हैं उनको स्प्रे करके अच्छे से सेट करेंगे, और जो बॉब पिन से उनको स्टेप पोनी टेल के नीचे से अच्छे से बॉब पिन टाइट कर देंगे, ताकि जो हमारी पोनी टेल है वो ढीली ना हो। इस तरह से करने से पोनी टेल है वो टाइट हो जाती है, और फिर हम डोनट लगा देंगे। जितना भी आपको जूड़ा चाहिए उस हिसाब से आप डोनट लगा सकते हैं। अगर बड़ा जूड़ा चाहिए तो डोनट भी आप बड़ा ले सकते हैं। इस तरह से डोनट लगा देंगे, चारों तरफ से हमने पिन से डोनट को सेट कर दिया, और इस तरह से बालों को फैला लेंगे, और रबर से हम इनको इस तरह से लगा देंगे। पहले बालों को फैलाया और इस तरह से रबर को लगा दिया। अब इन बालों को हम ट्विस्ट करते हुए लेंगे, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और इस तरह से रोल करते हुए हम बालों को ले लेंगे। अगर दूसरी साइड के भी बच जाता है तो उसी तरह से हम ट्विस्ट करके इधर की साइड को लाएंगे, और ये अच्छे से लुक भी आ जाती है इस तरह से। ऐसे से पिन से हम सेट कर लेंगे। इसके बाद हम जो रियल फ्लावर है गजरा, उससे हम जुड़े को डेकोरेट करेंगे। पिन की हेल्प से हम अच्छे से गजरे को सेट करेंगे। ऐसे पिनों के हेल्प से हम गजरे को सेट करेंगे। इसके बाद हम एक और लड़ी लगाएंगे, आप दो तीन लड़ियां लगा सकते हैं इस तरह से। ऐसे और अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, साइड को इस तरह से गजरों की हेल्प से भर सकते हैं इस तरह से। और इसके बीच में हम जो रोज फ्लावर है रियल फ्लावर से हम डेकोरेट करेंगे। जोड़े का बीच के हिस्से में हम पूरे रोज फ्लावर से डेकोरेट करेंगे। इस तरह से हमारा हेयर स्टाइल लुक, जो ब्राइडल हेयर स्टाइल लुक है, इस तरह से हमने दिया है। मेरी और वीडियो भी है, साइनी ब्यूटी पॉइंट में जाके आप वॉच कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा जूड़ा स्टाइल लुक कंप्लीट हुआ।